सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी, बहुत ही ज़्यादा जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, कुछ लोग टिकटॉक पर फेमस होने के लिए पता ही क्या कर रहे हैं, गुटखा भाई की कॉपी कर रहे हैं, दिलबाग मुंह में लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है और थूक रहा है वहीं पर ही, और किसी भी सॉन्ग पर लिपसिंग कर रहे हैं और उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा लाइक्स मिल रहे हैं। लेकिन उससे पता है क्या होता है, आप लोगों की पर्सनैलिटी एकदम ख़राब हो जाती है। ठीक है, पर्सनैलिटी आपकी एकदम जहर होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले को, देखने वाले को भी लगे हाँ भाई तम है इसके कंटेंट में, तो लाइक ठोक दो। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टिकटॉक पर एक रात में फेमस कैसे हो। देखो, बहुत ही ज़्यादा लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस कर रहे थे और कुछ लोग तो कमेंट्स में भी बोल रहे थे कि भाई हमें बताओ कि एक रात में फेमस कैसे होते हैं और एक रात में फेमस होने से हमको फायदा है या नहीं है। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखो, टिकटॉक क्या है सबसे पहले तो जान लेते हैं। देखो, टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एक रात में भी फेमस हो सकते हो या बहुत ही ज़्यादा दिन रात मेहनत करके भी फेमस नहीं हो सकते। फेमस हो क्यों नहीं सकते, पहले उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो, आप लोग कुछ तो ऐसे हैं जो दोस्तों की सुनते हैं या किसी आस पड़ोस वाले ने कुछ कह दिया कि क्या बकवास करता रहता है, ऐसे करता है टिकटॉक पर, कैसी वीडियोस बनाता है, तो वो लोग आपको रोक लेते हैं। ठीक है, और आपके माइंड में कैसा जाता है कि हाँ भाई मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को ये लोग बोल रहे हैं, और अगर आप उनकी सुनोगे तो नहीं हो पाओगे। कुछ लोग तो ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, और कुछ लोग 1,000 वीडियोस पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद भी उनके 10,000-15,000 फैंस आते हैं। भाई ऐसा पता है क्यों होता है, क्योंकि आप लोग जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हो ना, उसमें दम नहीं है, और जब तक आपके कंटेंट में दम नहीं होगा, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, जितने भी टिकटॉक यूज़र हैं ना, सभी का पहला वीडियो जाकर देखो, ऐसा वीडियो नहीं था जैसा आप लोग बना रहे हो। और जो लोग एक रात में फेमस होते हैं, वो लोग ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो उन्होंने बनाया, एक ही वायरल हो गया, ये तो आपको भी मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। देखो, मैं एक बंदे की बात बताता हूँ, संकेत सिंह, अगर आप उसको जानते हो, ठीक है, उस भाई ने एक वीडियो बनाया था, बहुत ही कमाल का वीडियो रोकर बनाया था, वो एक रात में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया था, लेकिन अब उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। पता है क्यों? बस जो लोग जानते हैं, जो उसके फ़ैन हैं, ज़्यादा तगड़े वाले फ़ैन हैं, वो लोग उसको जानते हैं, इतने ज़्यादा लोग नहीं जानते। सागर गोस्वामी पूरी इंडिया में तेरी प्यारी प्यारी दो आँखियाँ चलवा देता, अभी इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, कोई इवेंट वगैरह नहीं होता उसका। फैजुलोग, टीम 07, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा बंदे हैं जो ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, अगर आपके 10,000 भी फैंस हैं ना, ये 1,000 फैंस भी हैं, तो उनकी वैल्यू समझो। 1,000 फैंस ऐसे ही नहीं मिल जाते किसी को, कोई करके तो दिखाए। जो आप लोगों को बोलते हैं टिकटॉक पर तू ऐसे करता है वैसे करता है, ठीक है, तो उन लोगों को बोलो ना, उनके मुँह पर बोलो कि दो तो करके दिखा, मैं 50 फैंस करके दिखा दे, तो 1,000 फैंस की भी वैल्यू समझो। 1,000 फैंस ऐसे नहीं बन जाते, और जो लोग कमेंट करते हैं भाई, उनको तो समझो आप। पता है क्यों? क्योंकि कमेंट ऐसे ही नहीं करते थे लोग, अगर आपकी जिससे जान पहचान होती है ना, तो वही लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, देखो, ऐसा नहीं होता कि किसी भी तरह का वीडियो पोस्ट कर दो तो आप फेमस हो जाओगे, उसके लिए आपको यूनिक करना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सागर गोस्वामी था, उसने एक वीडियो बनाया तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ, उस गाने का कहीं से कहीं तक नाम नहीं था, ठीक है, कहीं से कहीं तक भी। अब उसने उस गाने पे वीडियो बना दिया, तो आप लोगों के भी दिमाग में आया होगा कि हम भी किसी ओल्ड सॉन्ग पर वीडियो बनाते हैं, हमारा भी वायरल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वायरल कब होए। लेकिन मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, वायरल होने के पीछे मत भागो, क्योंकि कोई एक बंदा होता है, लाखों करोड़ों की भीड़ में से कोई एक बंदा फेमस होता है, और क्या पता आपका लक कितना अच्छा ना, आप ना हो पाओ। वैसे सोच बड़ी रखो, ठीक है। अब आपको शुरू से कुछ ऐसे लेके चलना है, जितनी भी आपकी ऑडियंस है उनके साथ आपको एक इंगेजमेंट बना के रखना है, उनको अच्छा कंटेंट देना है। यदि आप कोई ऐसा वीडियो पोस्ट करते हो कि भाई किसी के खिलाफ है, ठीक है, किसी को कुछ बोल रहे हो, और इस तरह का वीडियो तो मैं कहूँगा कभी पोस्ट मत करो कि भाई प्लीज़ फॉलोवर्स बढ़वा दो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ एक फॉलो दे दो, प्लीज़ एक लाइक दे दो, ये तो भाई भीख हो जाती है। ठीक है, इस तरह की वीडियो पोस्ट मत किया करो, ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत वीडियोज लगता है, इससे आप लोगों को पॉपुलर क्रिएटर भी नहीं मिल पाएगा। यदि आपके कंटेंट में दम होगा ना, तो लोग खुद ही लाइक करके जाएंगे। कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुना दो, कोई अच्छी बात बता दो, किसी को कुछ सिखा दो या हंसा दो, तो ऑटोमेटिक लाइक कर देगा और आपकी वीडियो को डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाएगा। तो एक रात में फेमस ऐसा नहीं है कि भाई आप हो ही जाओगे, उसके पीछे भागना छोड़ दीजिए। आपके पास अच्छा ट्राइपॉड, अच्छा लेंस और अच्छा मोबाइल का कैमरा होना चाहिए।
देखो, यदि आपके पास भी ट्राइपोड या लेंस या रिंग लाइट वगैरह नहीं है और आप भी चाहते हो ट्राइपोड वगैरह ये सब फ्री में खरीदना, तो आज मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। एक एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो डाउनलोड करो, वहां से पैसे कमाकर अपने पेटीएम में ट्रांसफर कर लो। पेटीएम में ट्रांसफर करने के बाद पेटीएम मॉल से कुछ भी ऑर्डर कर दो, आपके घर पर आ जाएगा। आपके पास भी एक अच्छा कैमरा, रिंग लाइट ये सब हो जाएगा, आप भी वीडियो शूट कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। अब एक बात और बता दूं वीडियो के ऊपर, देखो जो लोग बनाते हैं, किसी ने भी सॉन्ग पर वीडियो बना दिया और आप भी उसी सॉन्ग पर वीडियो बना दो, यूनिक क्या हुआ? कुछ नहीं, उसको चेंज कर दो। देखो अभी ट्रेंड में एक सॉन्ग चल रहा है कि पता नहीं भाई, इस सॉन्ग का नाम याद नहीं आ रहा, मैं लिरिक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अभी वो सॉन्ग मेरे ध्यान नहीं आता, लगता है किसी और गली जाने लगे हो, ठीक है, ये वाला सॉन्ग है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, किसी एक बंदे को लेना है और वो पूछेगा और जनाब क्या चल रहा है, जनाब हिंदुस्तान में तो लगता है किसी और गली जाने लगो, ये सब सॉन्ग लगा दो। इस तरह के सॉन्ग, ये सब मिक्स वगैरह, एडिट वगैरह, कहाँ से कौन सा वॉइस उठाना है, कहाँ से कहाँ लगाना है, ये सब बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता है। वो सॉन्ग ऐसे, मतलब किसी भी साउंड को कट करके इधर से इधर करना, ये सब सीखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो वाली वीडियो देख लीजिए। और अगर अभी ये जो सॉन्ग चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना, मैं कोशिश करूंगा एक ट्यूटोरियल वीडियो पोस्ट कर दूं जिससे कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। और ये मत सोचा करो कि मेरे को उसने ये बोल दिया तो मैं कल से टिकटॉक बंद कर दूंगा। ये ट्राइपॉड लेते हो, ट्राइपॉड को पकड़ा और तोड़ दिया ऐसे करके, वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट कर दी, कोई अपनी बाइक को तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाई ये सब ड्रामे से आप टिकटॉक पर पॉपुलर क्रिएटर नहीं ले पाओगे। जो भी स्टार है उनका पहला वीडियो जाकर देखो जैसे आज है, पहले कैसे बनाते थे, उनसे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता था कि कहां पे था ये बंदा और कहां पे आ गया। देखो एक बंदा आपको साइड में दिख रहा होगा, ये बंदे के कितने फैंस हो रहे हैं, देखो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, शक्ल डजंट मैटर, शक्ल मैटर नहीं करती, अपनी शक्ल पर मत जाया करो। तो यार उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिला ही होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ट्राइपॉड वगैरह, रिंग लाइट वगैरह ये सब परचेस करना चाहते हो फ्री में, उस एप्लीकेशन से पैसा कमाओ और पेटीएम मॉल से ऑर्डर कर दो, पेटीएम में रिडीम लगा के। और कुछ लोगों को रिडीम में प्रॉब्लम आती है, सुबह के 10 बजे आप वहाँ से अपना पैसा निकाल सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।